नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भी यशस्वी योजना के जो एडमिट कार्ड आने वाले थे वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको उसका लाइव प्रूफ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो यशस्वी योजना का एडमिट कार्ड है वो नहीं आ रहा है। इसको चेक करने के लिए आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं yet.nta.ac.in, इस पे जाके आप एंटर करेंगे। आप दोस्तों, वेबसाइट आपके सामने खुल चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक पब्लिक नोटिस कैंसिलेशन ऑफ YET 2023 करके एक PDF जो है वो डली हुई है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ PDF जो है वो खुल के आ जाएगी। तो दोस्तों, आपके सामने PDF खुल के आ चुकी है और इस PDF में आप अगर यहाँ पर इस लाइन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि द सिलेक्शन फॉर दिस ईयर विल नाउ बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, यानी कि इस वर्ष की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है, केवल आपके अंकों के आधार पर होगी। यानी कि ये जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगी, इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात ये भी बता दूं कि ऑल स्टूडेंट्स वो ऑप्टेंट 60% और अबव मार्क्स इन 8th और 10th आर क्लासेस इज एलिजिबल टू अप्लाई ऑन NSP पोर्टल। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि 60% से ज्यादा के हैं और वो 8वीं और 10वीं के हैं, वो NSP पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद में ये लोग एक लिस्ट में आप सभी के नाम डालेंगे और जिन लोगों का लिस्ट में नाम आएगा वो जो है NSP पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, चैनल आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।